कांता की रसोई में आपका स्वागत है। और आज एक नया रेसिपी लेके आई हूँ। अभी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में मैंने बेसन का नमकीन सेव बनाना बताया था, और अब आज मैंने जो है बेसन के मीठे सेव मैंने बनाए हैं। देखिए उसमें क्या क्या चाहिए। उसमें मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, और 1/4 चम्मच ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है, और 2 चम्मच मैंने ये रिफाइंड ऑयल लिया है, और ये मेरे पास बनाने वाला सांचा है जिसके अंदर मैं बनाऊंगी, और इसका हम बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार करके रखेंगे। तो देखिए मैं सॉफ्ट डो बनाने जा रही हूँ। तैयार है ये, देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। और मैं अब अपने इसमें मैंने बॉइल कर लिया है, इसमें लगा दिया है इसमें, जैसे चिकना हो जाइए। और इसमें देखिए ये मोटे सेब का है ये, और इसमें मैं इसको मैं डाल दूंगी इसमें इस तरह से। मैं मोल्ड में बेसन अपना डो भर लिया है। अब मैं इसमें ये हमारी फुल फ्लेम है ये गैस, और इसमें ऑयल डाला जो गर्म हो चुका है। ये देखिए बीच में, ये देखिए हमने कढ़ाई रखी हुई है, इसमें मैं अंगूठी चाशनी बनाऊंगी। मैंने 1 चम्मच इसमें देसी घी डाला हुआ है, और इसमें मैं छोटे टुकड़े करके मैंने ये गुड़ डाल दिया। इसमें ये गुड़ डाल दूंगी और इसको चलाऊंगी जब तक ये मेल्ट ना हो जाए, तब तक मैं इसको चलाती रहूंगी। ठीक है, ये मोटे वाले जो मैंने मीठे से वो सीखे थे, ये देखिए हो गए, और मैं इसको निकालने जा रही हूँ। देखिए इसमें निकालेंगे इसका, इसको भी तोड़ लेंगे हम बाद में। देखिए गुड़ मेरा घी में जो डाला था उसमें गुड़ जो पूरा मेल्ट कर गया। ये देखिए चाशनी तैयार है। अब हम इसमें अपने जो मैंने सेव सेके वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने इसमें अपने सेव डाल दिए, और इसी तरह से मैं इसको थोड़ी देर तक चलाती रहूँगी जब तक ये पूरी चाशनी इनके ऊपर ना लग जाए। ये देखिए एक कटोरी के मैंने एक कटोरी गुड़ लिया था, उसको छोटे टुकड़ों में कर लिया था। ये देखिए मैं जब तक चलाऊँगी जब तक ये इसमें सूख नहीं जाती। देखिए मेरे मीठे सेव मैंने जो गुड़ की चाशनी में बनाए हैं बेसन के, ये बिल्कुल तैयार है। देखिए कितने करारे हैं, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, देखिए तोड़ के, और कितने बढ़िया बनेंगे देखिए। और इसको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, और इसको आप बनाइए खाइए, और बच्चों के लिए बनाइए, और फेस्टिवल लगा होली में उसमें भी बनाइए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन है उसको भी क्लिक करिए जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुँच जाए। नमस्कार।